मेरा नाम है हिमांशु। बेसिकली मैं स्टेज से बिलोंग करता हूँ। INT, इप्टा वगैरह काफ़ी थिएटर किया मैंने। बीच में जो DD1 पे आती थी चाणक्य सीरियल, उसमें मेरा एक कैरेक्टर था महाअमात्य वक्रनास। उसके बाद बीच में मैंने थोड़ा गैप दे दिया था अपने बिजनेस के सिलसिले में। साइलेंस प्लीज। बाद में बोला, इंटरव्यू के बाद सब बातें करना। अपने बिजनेस के सिलसिले में बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था और उसके बाद तो वापस मैंने शुरू किया टीवी सीरियल, मूवी सुल्तान और काफ़ी अलग अलग। अब सत्यमेव जयते की शूट मैंने ख़त्म करी है, एक दो और लाइन में है प्रोजेक्ट। तब मेरी मुलाकात हुई रोहित जी से और उनके साथ मैंने एक वेब सीरीज़ करी दल्ला। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तिवारी जी उनके प्रोड्यूसर थे और जो हैंकॉक के बारे में हमारी जब चर्चा होती थी एक बैठक के दौरान, और मानो ना मानो रोहित जी इस हैंकॉक को लेके बहुत ही एक्साइटेड थे और जो उन्होंने कर दिखाया है, जो हैंकॉक को आज ये लॉन्च किया है, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बेहतरीन, अच्छा, बड़ा। और इसको जब आप डाउनलोड करके इसमें जो भी कंटेंट हैं, जैसे सनक है, काफ़ी घोस्ट है, तो ये आप अपने मेरे हिसाब से फैमिली के साथ बैठकर इंडिविजुअल देखना चाहे तो देख ही सकते हैं, पर साथ में फैमिली के साथ भी आप देख पाएंगे। ऐसे कंटेंट हैं इसमें। हैंकॉक का जो एक मकसद था कि अच्छे कंटेंट, अच्छे कलाकारों को लेकर, जो कलाकार स्टेज से जुड़े हो, जो कलाकार एक अपने आप में एक दम रखता हो, उनको लेकर अच्छे कंटेंट बनाए जाए, और उन्होंने वही काम किया है। और मेरे हिसाब से जिनको फुल ऑन एंटरटेनमेंट चाहिए, जिनको पूरा एंटरटेनमेंट चाहिए, उन्हें अपना अपने पास हैंकॉक को डाउनलोड करना चाहिए और इनका कंटेंट देखना चाहिए। मैम, आप पर्सनली जानना चाहूंगा कैसे आप रिलेटेड हैं हैंकॉक से और क्या कहना चाहेंगे रोहित जी के बारे में, जो कि रेड कर चुके हैं फीमेल और सिस्टम अपडेट। जी, मेरा नाम रेशमा खान है, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और मैं 6 साल पहले मुंबई से आई थी, मतलब लखनऊ से। तो थोड़े दिन स्ट्रगल किया, उसके बाद मेरी मुलाकात रोहित सर से हुई और आज अभी तक मैं रोहित सर के साथ हूँ। मैं एज ए डायरेक्शन में भी काम करती हूँ और एक्ट्रेस भी करती हूँ। अभी मेरी घोस्ट ट्रिप, इसे आप पोस्टर देख रहे होंगे, लगा हुआ है, तो उसमें मैंने एज ए थर्ड लीड कैरेक्टर किया है और कई सारे शीमेल में भी मैंने कैरेक्टर किया है, करती रहती हूँ। और ये अपना जो हैंकॉक है, ये बहुत ही अच्छा ऐप है। इसको आप अगर डाउनलोड करके इसमें जो भी कंटेंट देखेंगे ना, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, एक सस्पेंस थ्रिलर ऐसी मिलती है, एक कहानी जो मतलब इंजॉय करेंगे आप, समझ नहीं पाएंगे मतलब कैसा क्या चल रहा है, अभी आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। इस तरह से एक इंटरेस्टिंग इसमें कंटेंट आ रहे हैं, जो सेलेक्ट होते हैं कंटेंट बहुत ही चूज करके सेलेक्ट किए जाते हैं और बहुत ही अच्छा है ये हैंकॉक प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए। आप लोग डाउनलोड कीजिए और हैंकॉक ऐप का लुत्फ उठाइए। मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। ये हमारे रोहित सर जी की बेटी है अंशिका रोहित चौधरी और बहुत ही होनहार बच्ची है, और आगे चल के आप उनको अच्छा काम करते हुए देखेंगे अपने पिताजी की तरह। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी उसकी,
तो रोहित जी वैसे क्या है कि नॉर्मली ये जो चीज़ है वो एक्टरों के साथ होती है, एक्टर बोलते हैं कि मैं वन टेक एक्टर हूँ, लेकिन रोहित जी बोलते हैं कि मैं वन टेक डायरेक्टर हूँ। तो ये उन्होंने करके भी दिखाया, क्योंकि इसके अंदर जिस टाइप का आजकल काम हो रहा है उसके अंदर परफेक्शन के साथ एक और चीज़ की बहुत ज़रूरत है और वो है टाइम लाइन, जिसके लिए कि रोहित जी परफेक्ट टास्क मास्टर हैं, तो टाइम लाइन को बड़ा पकड़ के लेके चलते हैं। ऊपर से उनकी क्रिएटिव टीम, टेक्निकल टीम, DOPs सब मिला के काम करने में बड़ा मजा आया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग जरूर देखिएगा हैनकॉक पे। मैम आप इंट्रोड्यूस कीजिए, जानना चाहूंगा सिस्टम अपडेट में मैंने डॉटर का कैरेक्टर किया है, इनकी डॉटर का। और ये स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक जिसमें बच्चों की किडनैपिंग होती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे कि आगे क्या होगा, अब कैसे होने वाली है चीज़ें। तो उसमें ये हम लोग काफ़ी मिडिल क्लास की फैमिली दिखाई गई है, मतलब एक विक्टिम फादर का की जर्नी है, किस तरह से वो निकलता है, किस तरह से अपनी बेटी के लिए कुछ कहानी में टर्न आता है, फाइट बैक करता है जो फादर, और इतने स्ट्रगल के बाद भी लास्ट में, मतलब अभी रिवील तो नहीं करूँगी, बट लास्ट में ही विन। मैं समीर राव साहब, डक्स एंड रेक्स नाम की जो सीरीज़ है उसका मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने ही लिखी है कहानी। किस तरह की फिल्म है, स्टोरी क्या है, एक लाइन में? एक्चुअली ये एक कहानी है, एक लड़के की कहानी है। एक हिल स्टेशन पर रात को उसकी आखिरी बस छूट जाती है, उसको एक लड़की मिलती है, वो लड़की उसको अपने कॉटेज पर लेके जाती है और उसके बाद कहानी शुरू होती है, जो मैं बता नहीं सकता हूँ, जो कि थोड़ा सा सस्पेंस है, थ्रिलर है, तो कहानी तो पूरी बता नहीं पाऊँगा मैं, लेकिन बिल्कुल हटके कहानी है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस तरह की कहानी है। एक अलग, बहुत ही अलग किस्म का एक सस्पेंस थ्रिलर है, इट्स अ व्हाट यू कॉल, इट्स अ ट्रैप ड्रामा। कितना पसंद करते हैं आजकल ऐसी फिल्मों को? बेसिकली अभी यूथ का चॉइस अगर देखेंगे तो मैक्सिमम यूथ जो है वो सस्पेंस थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, हॉरर और कुछ ऐसे हटके सब्जेक्ट हैं जिनको बहुत ही पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने ये सब्जेक्ट चूज किया है। जितने भी चेहरे हैं सब न्यू कमर्स को चांस दिया गया है, खास मकसद? न्यू कमर्स तो नहीं है। हाँ, एक्चुअली मेरी स्टोरी में तो अंकित बाटला है जो टीवी के बहुत बड़े स्टार है, सिमरन सचदेवा है वो भी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है, विजय पाटकर जी है वो तो बहुत पुराने और नामचीन एक्टर है। एक्चुअली सर नए टैलेंट को भी, यानी OTT आने से नए टैलेंट को भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया है और होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। क्या होता है कि सर नए नए टैलेंट जब आते हैं तो हमको भी कुछ और करने का मजा आता है, क्योंकि वो रूटीन जो चेहरे होते हैं ना उनसे हटकर, मतलब ये OTT प्लेटफॉर्म आने की वजह से जो आर्टिस्ट, मतलब जो थिएटर आर्टिस्ट थे कि जो बहुत ही रॉ और बहुत ही टैलेंटेड थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ। तो एज ए डायरेक्टर, एज ए क्रिएटिव हेड और एज ए प्रोड्यूसर हमें भी काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि उनके साथ में जो एक उनकी आइडेंटिटी होती है, enthusiasm होता है, एक अलग पैशन होता है उनके अंदर, तो उसके साथ काम करने में और एक मज़ा होता है। थैंक यू। मैं मुरजी गामी, हमारा सिस्टम अपडेट और एक दूसरा ड्रिंक एंड ड्रग्स, डक्स एंड ड्रग्स, ड्रिंक एंड ड्रग्स, ये दो अलग अलग किया है। किस तरह की स्टोरी है, आप प्रोड्यूसर हैं इसमें? बताइए, समझा नहीं मैं। सिस्टम अपडेट अगर एजाज खान की बात करें, हाँ, क्या स्टोरी लाइन है, क्या स्टोरी लाइन है? स्टोरी लाइन में तो ऐसा है कि सिस्टम के बारे में बताया गया, सिस्टम एजाज खान तो वैसे भी नॉन फेस है। क्या होता है कि कई बार जो होता है ना कि सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं और ये सारे इंसिडेंट्स के पीछे, मतलब जब पुलिस डिपार्टमेंट काम करती है तो हर वक्त पुलिस डिपार्टमेंट पे ही धब्बा आता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता
कि जो डिपार्टमेंट है ये राउंड द क्लॉक 24 आवर अपनी पूरी मेहनत से, अपनी लगन से हर केस को सॉल्व करने के लिए कोशिश करता है। और सिस्टम अपडेट में यही बताया गया है कि एक बहुत बड़ा किडनैपिंग का रैकेट होता है, और जो हमारे आईपीएस ऑफिसर है जिनका किरदार एजाज खान जी ने निभाया है, वो किस तरह से इस केस को सॉल्व करते हैं। बिजनेस एंगल से आपने एजाज को लिया है, एज ए प्रोड्यूसर क्या कहना चाहेंगे? सर अभी एजाज खान तो इतनी बड़े स्टार है, आज इनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोअर है, इतना बड़ा नाम है, इतनी सारी फिल्में उनकी रिलीज है, और जो कैरेक्टर सीरीज में था, जो सरदार एसी रोज था, उसके लिए उनकी पर्सनैलिटी और लुक और जो उनका काम करने का जो स्टाइल है वो रोल को इतना परफेक्ट सूट होता था, इसीलिए एजाज खान जी को हम लोगों ने कास्ट किया। जी मेरा नाम रोहित चौधरी है, मैं बॉलीवुड डायरेक्टर हूँ, 97 से इंडस्ट्री में हूँ, और मैंने काफ़ी कुछ काम किया है यहाँ पे। और अभी जो हैंकॉक OTT ऐप है, इसका जो मुंबई का सब कुछ हेड है, सब कुछ मैं ही संभालता हूँ। तो ये हैंकॉक OTT ऐप लाने का मकसद ये था कि आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी सुन रहे हैं मीडिया में भी, कि वल्गैरिटी बहुत बढ़ गई थी इंडस्ट्री में। उसके बाद में फिर कुछ गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल लाए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने बहुत साफ़ सुथरा और कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट निकाले कि जिसको आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो और स्पेशल है जिसको आप पसंद भी कर सकते हो। तो हैंकॉक OTT ऐप लाने का रीज़न यही था कि अच्छे से अच्छे कंटेंट निकाले, लोगों तक पहुँचे, उनका मनोरंजन हो। इसमें तो कितने फिल्मों में आप डायरेक्शन कर रहे हैं? मैंने अभी तक आपके पीछे 8 फिल्मों के 6-7 फिल्मों के पोस्टर हैं। इनमें 3 प्रोजेक्ट मेरे हैं जिसमें सिस्टम अपडेट का डायरेक्टर मैं हूँ, शीमेल का डायरेक्टर मैं हूँ, और सनक मैंने किया है, इसमें एज ए डायरेक्टर मैं ही हूँ। आपके राइट साइड में जो हीरोइन बैठी है, इसका ये अलका सिंह है, हमारी जो शीमेल प्रोजेक्ट है उनकी हीरोइन है। तो अलका जी अपने बारे में खुद बताएगी। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है शीमेल का। क्या है स्टोरी लाइन? क्या एक किन्नर के ऊपर है, जो हमारी हीरोइन है उसमें किन्नर का कैरेक्टर किया है। किन्नर इन द सेंस आज के टाइम में हमारे समाज में जैसे नॉर्मल इंसान है, हम लोग थोड़ा सा उनसे दुआ तो लेना चाहते हैं लेकिन उनके बारे में सोचते नहीं है कभी भी। ऐसा लगता है कि पैसे दे के थोड़ी दुआ मिल जाए बस हमारा काम हो जाए, उससे ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं। हमने उनकी एक इंटरनल स्टोरी दिखाई है कि उनके अंदर भी दिल होता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ऐसे आ जाते हैं हमसे पैसा मांगने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ उनके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम दर्शाए इसमें, और एक पॉजिटिव दिखाया उनका बहुत अच्छा कि वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनसे लोग प्यार से बात करें। इससे पहले भी काफ़ी सारी फिल्में आई हैं, दरमियान है शायद आपको पता हो, दरमियान है और सड़क मूवी है, काफ़ी हिट हुई है, काफ़ी बिजनेस किया है, और अभी भी एकदम फिल्में आई बीच में, तो इस तरह की फिल्में लोग अभी कितना पसंद करते हैं आज के 2021 के अनुसार? एक्चुअली जो शीमेल में जो कैरेक्टर है हमारा, एक गांव से आया हुआ सीधा साधा लड़का जिसको मुंबई जैसे शहर में कोई नहीं जानता और कोई उसको अपनाता भी नहीं है, ना उसको कोई काम देता है, उसके जो अपने दोस्त हैं वो भी धोखा दे चुके हैं, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है जिस टाइम पे उसको एक किन्नर सहारा देता है। तो एक आम इंसान को एक आम इंसान सपोर्ट नहीं करता है, बाकी हम लोग जिनको थोड़ा सा अलग समझते हैं समाज में वो लोग उसको एक सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो बाउंडिंग दिखाई है हम लोगों ने, और फिर उसके बाद वो कैसे कहानी चलती है तो वो हमने दर्शाया। अलका जी आपका सी मेल करके नाम दिया गया है, क्या कह रहे हैं स्टार्टिंग को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगी, जो मेरा नाम अलका सिंह है। मैंने इसमें एक मेन लीड कैरेक्टर प्ले किया एज अ हीरोइन का, जो किन्नर पे है। ये रियल बेसिड पे स्टोरी कि एक्चुअली में किन्नरों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। हम उन्हें उनको सड़क पे हम मिलते हैं तो नॉर्मल बस वो दुआ देते हैं, मजाक मस्ती, बट वो एक्चुअल में उनकी फीलिंग, उनकी क्या चीज़ें, वो भी हमारे जैसा एक आम इंसान है। तो हमने वो चीज़ इसमें दिखाई है, जो शीमेल नाम है इस वेब सीरीज़ का, जो बहुत ही जल्द हैंकॉक प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही है। आपने कितनी तैयारियाँ की इसको लेकर कि किन्नर कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका तरीका? बस मैं इनका क्रेडिट तो रोहित सर को देना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है कि मतलब लाइक कैसे उनका एक्शन, बात करने का ढंग, तौर तरीका, तो ये सर पूरा मैं क्रेडिट रोहित सर को देना चाहूँगी। इस तरह की जो फिल्में होती हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए खास किन्नर को बुलाया जाता है ताकि एक फिल्म का मोड पड़े, लोग देखे, एक मैसेज आए, दे संदेश आए। नहीं, हमने जो शूटिंग की है एकदम रियलिटी की है, ऐसा जैसे कि हमने ऑन रोड करा है पूरा रियलिटी, लाइक हमने ये एकदम रियलिटी शो है, और हमने एकदम जो शूट भी करा है एकदम रियल में किया। ये नहीं कि हम किन्नर बने हैं, हम लोगों को सिखा के रखे कि जैसे कि हमें मांगना है, हम एकदम रोड पे हमने मतलब एकदम रैंडम करा है। पब्लिक भी बहुत सारे, पब्लिक को लगा था कि एक्चुअल में हम लोग रियल में किन्नर है, हमें पैसे भी काफ़ी सारे मिले थे उसमें। कितने
कितना मजा आया आपको ये करके? बहुत बहुत, हमारे टीम मेंबर बोलो, हम सब बोलो, हम सेट पे काफी सारा मस्ती किए काम के साथ साथ ही। कितनी सावधानी बरतते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, किन्नर का समाज बिल्कुल अलग है, चाहे उनकी मौत का मामला हो या फिर कहीं पे बधाई देने का मामला हो। हमारी हमारी कहानी में गलत मैसेज ना जाए। नहीं नहीं, हमारी कहानी में जो हमने दिखाया है किन्नर को, काफी हमने उसके बारे में, मैंने काफ़ी पढ़ा है, समझा है, काफ़ी टाइम से रीड किया हुआ है, तो हमने उस चीज़ का ध्यान रखा है कि किसी को ठेस ना पहुँचे। अंतिम यात्रा जो है रात को ले जाई जाती है, आपको हाँ मालूम है, अंतिम यात्रा रात को ले जाती है। और अंतिम यात्रा हमारे इसमें किन्नर जो है, हमारे इसमें जो मेन किन्नर जो लड़की बनी जो अलका है, इसकी डेथ भी हो जाती है, जिसके बाद में हमने रात को ही दिखाया इसको। हाँ नहीं नहीं, वो सिचुएशन नहीं थी, हमने पूरा जनाजे का नहीं दिखाया, सिर्फ जो सिस्टम था थोड़ा सा हमने दिया, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि उनको ठेस पहुँचे। नहीं, मुझे जब मैंने ये स्टोरी सुना तो मुझे काफ़ी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी, और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि मैं एज एक किन्नर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो मैं बहुत काफ़ी खुश हुई थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा काम करके। बस कहना ये चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखें, फैमिली के साथ देख सकते हैं, ये लाइक रियलिटी है बिल्कुल, इसमें दिखावा कुछ नहीं किया गया है, तो आप लोग देखें, आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी ये स्टोरी। राइट साइड में सर आपका परिचय। जी नमस्कार, मेरा नाम जोहर संजय है, और कालू पालू टीम एंटरटेनमेंट मेरी ड्रीम वेंचर है। इसमें रोहित जी के साथ मतलब मिल करके हमने ये लक्ष्मील जो है मतलब वेब सीरीज किया प्रोड्यूस, और मतलब रोहित जी ने इसमें मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है, रोहित जी और उनके टीम, और मतलब अलका जी हमारी वो उसमें लीड एक्ट्रेस हैं। इसमें हमने शिमेल ये किन्नर्स के ऊपर हमने इसके ऊपर एक बार डिफरेंट पक्ष से उनको दिखाया कि वो भी इंसान होते हैं, वो उनमें भी मतलब जो है फीलिंग्स होती हैं, उनके भी मतलब रिलेशनशिप्स होती हैं, तो उसको लेकर के मतलब रोहित जी ने उसके ऊपर मतलब बहुत ही अच्छा काम किया। और रोहित जी बताइए आप। सर देखिए, जो कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्ट है, आज हमारा ट्रेलर्स लॉन्च है, 3 ट्रेलर लॉन्च होने वाले हैं, एक सिस्टम अपडेट का, एक शीमेल का, और एक डक्स एंड ड्रेक्स का। तीनों प्रोजेक्ट के आज ट्रेलर लॉन्च है, और देन 2 प्रोजेक्ट आज हमारे स्ट्रीमिंग होने वाले हैं एपिसोड्स, जिसमें एक सनक है और एक डैडिस्क है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, गालू पालू ड्रीम्स एंटरटेनमेंट के बैनर के तले हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है शीमेल, मुझे लगता है कि सबसे स्पेशल है। और रही बात एक एक्ट्रेस को ये सोचने का कि मुझे मैं शीमेल का कैरेक्टर क्यों करूँ, मेरे साथ में ये आया था शुरुआत में, अलका से पहले भी 2-3 मैं कास्टिंग के लिए बैठा था इनका, तो बहुत बाद में मेरे पास कॉन्टैक्ट आया, तो कुछ ऐसी एक्ट्रेस भी निकली है बोलते हैं अरे नहीं सर मैं इतनी अच्छी खूबसूरत हूँ, मैं शीमेल नहीं बन पाऊँगी, ऐसा मेरे साथ हुआ है। अच्छे एक्टर थे जो बोलते नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे जो चाहने वाली पब्लिक है वो क्या बोलेगी कि तू किन्नर बनेगी क्या? तो अलका ने ये एक्सेप्ट किया, मैंने बोला कि आप एक कलाकार हो, आपको चैलेंजिंग कैरेक्टर करने चाहिए, तभी पब्लिक आपको जानेगी कि हाँ वाकई इनके अंदर भी कुछ है। नॉर्मल कैरेक्टर तो कोई भी कर लेता है जो एक्टर है। मेल फीमेल अदर, हमने अदर का नाम ही चेंज कर दिया सीमेल का, ये हैशटैग हो जाएगा इंडस्ट्री में, ये जो किन्नर है अपना को किन्नर का कहकर सीमेल कहेगा, सीमेल ये बहुत ही यूनिक नेम है। हाँ, ये सीमेल जो वर्ड शायद इस फिल्म के बाद एक किन्नर जो है अपना आपको सीमेल कहेगा, ना आपको अदर कहेगा, ना आपको ट्रांसजेंडर कहेगा अपने आप को, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बस ये कहना चाहूँगी मैं, ये काफ़ी लाइक अच्छा है, इसका जो नेम भी है यू नो काफ़ी यूनिक सा नेम है, मतलब ये नेम देख के ही लोग इंटरेस्टेड आएंगे कि मतलब ये क्या है, शीमेल क्या होता है, बुरा भी नहीं लगेगा या बुरा भी नहीं लगेगा, और जो भी एक्चुअल में किन्नर है वो भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो सीधे बोलेंगे शीमेल क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो या तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लोग नाम देख के ही देखना पसंद करेंगे मेरे हिसाब से। तो मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा रोहित जी। हाँ, वो अपना दोनों जो है उसको भी मतलब जो हस्बैंड है। मैं यहाँ पर मतलब एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि मैं गालू पालू ड्रीम एंटरटेनमेंट्स और हैंकॉक रोहित जी के साथ मिलकर के 2 नए मतलब वेब सीरीज लॉन्च कर रहे हैं इसी हफ्ते में, क्योंकि शायद अप्रैल 1st वीक या तो मतलब 2nd वीक तक स्ट्रीमिंग हो जाएगी। अभी 2 प्रोजेक्ट और दो प्रोजेक्ट और कर रहे हैं हम लोग गालू पालू ड्रीम्स एंटरटेनमेंट के साथ में, संजय जी कर रहे हैं उसमें भी प्रोड्यूस, तो प्रोजेक्ट भी अभी जस्ट 17 तारीख या 18 तारीख तक मेरा शूट शुरू हो जाएगा। और मैं बस यही कहना चाहूँगा पब्लिक को कि हैंकॉक OTT ऐप एक स्पेशल आया है, काफ़ी अच्छा है, मार्केट के आर्टिस्ट को लेकर प्रोजेक्ट बना रहा है, तो हैंकॉक OTT ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू। मेरा नाम सत्येंद्र चौहान है,
मैं हैनकॉक की टीम से जुड़ा हुआ हूँ। जितनी ये वेब सीरीज़ अभी लॉन्च होने वाली है, इसमें कहीं ना कहीं शूट में, पोस्ट प्रोडक्शंस में हर तरह से इन्वॉल्व। मेरा नाम शुभा मिश्रा है, बेसिकली राइटर हूँ। इसमें तीन मेरी सीरीज आ रही है और कंटेंट हिट चैनल की तरफ से। मैं किस तरह कंटेंट है कंटेंट कौन सा सब देखिए, इसमें जो चैनल ने बोला है ना, वो हम हर वैरायटी लेके आना चाहते हैं। कॉमेडी भी है, सैड भी है, हॉरर भी है, जिद भी है, जैसा कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा। सब अलग अलग फ्लेवर के साथ में कहानियाँ हमने चुनी है, मतलब जितनी भी कहानी चुनी है। जी नमस्कार, मेरा नाम सुजीत यादव है, मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ और मैं सनक में काम किया हूँ। नेगेटिव कैरेक्टर मैंने किया है और इसमें मैं रोहित सर मैम और रेशमा मैम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोग की बदौलत ही हम लोग नए टैलेंट्स को भी मौका देते हैं लोग, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और नेगेटिव कैरेक्टर मैंने सनक में किया है। थैंक यू सर। जी खोलकर बोलेंगे, दिल खोलकर। सर जी नमस्कार, आप सभी को सबसे पहले तो बधाई हो हैनकॉक को जो आज लॉन्च हुआ है, और रोहित चौधरी साहब को भी बधाई हो जो इसके कर्ता धर्ता हैं, मुंबई के निर्देशक हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं उनके, आप लोग देख रहे होंगे, जैसे सिस्टम अपडेट हुआ, शीमेल हुआ। मेरी शुभकामना है उनको, उनके हैनकॉक को, उनके सारे कलाकारों को। मैं विनोद त्रिपाठी, मेरी तरफ से, मेरे मित्र इनकी तरफ से और सनी कपूर साहब की तरफ से मैं सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे देखेंगे, इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करिएगा, डाउनलोड जरूर करिएगा, हैंगकॉक भूलिएगा नहीं। इमरान साहब जी, दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? जी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा रोहित सर जी को कि अपनी हैंगकॉक की टीम में मुझे लिए और मुझे ज्वाइन किया एज अ एक्टर, जिसमें से मैंने सिस्टम अपडेट, डक्स एंड ड्रैग्स एंड शीमेल में मैंने नेगेटिव रोल प्ले किया है। और आज इसकी स्ट्रीमिंग यानी इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है हैंगकॉक ऐप पे और काफ़ी सारे अच्छे कंटेंट है, नीट एंड क्लीन है कंटेंट इसके हैंगकॉक के, और भी अच्छे इसके कंटेंट आने वाले हैं। जी थैंक यू। आई एम सनी कपूर, मैं भी राइटर डायरेक्टर हूँ, हालांकि हैंगकॉक के लिए अभी काम नहीं कर रहा हूँ, करने वाला हूँ। रोहित जी हमारे बहुत पुराने दोस्त थे, उनकी जो वेब सीरीज आ रही है सिस्टम अपडेट बहुत खूबसूरत बनी है, मैंने कुछ सीन देखे हैं इसके, तो ये आज जो चैनल लॉन्च हो रहा है आप लोग इसको डाउनलोड करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए, आपको वो सारी चीज़ें इस चैनल में मिलेंगी जो आप लोग देखना चाहते हैं। मैं संजय सिंह नेगी, मेरा ये डैड इज नाम के साथ बताइए सर, डैड इज डायरेक्ट किया मैंने, बस मेरे दोस्त हैं रोहित चौधरी, उनका है शायर, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अच्छे से चले ये सीरीज, चले आगे भी उन लोग कामयाब हो, अच्छी अच्छी सीरीजें बनाएं और मार्केट में नाम, यही मेरे साथ। हाँ जी, मेरा नाम आनंद है, आनंद शर्मा, मैं कास्टिंग डायरेक्टर ही हूँ और इस OTT प्लेटफॉर्म में, जो कि हमारा OTT प्लेटफॉर्म हैंगकॉक, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऐसा वल्गैरिटी और प्लेटफॉर्म जैसा इस पर बिल्कुल नहीं है, हम सिर्फ कंटेंट पे काम करते हैं, ठीक है, बाकी आप लोग हो, आप लोग ही बढ़ाओगे आगे। मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ इसमें, यहाँ हूँ। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार तिवारी हुआ, फोलो एंटरटेनमेंट अपना प्रोडक्शन हाउस है और हम वेब सीरीज आए थे असिस्टेंट को लेकर दल्ला, और फिलहाल अपना ये होस्ट अपना मूवी इस पर लॉन्च हो रहा है हैंगकॉक पे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हैंगकॉक बहुत अच्छा OTT प्लेटफॉर्म है, जिस पर अपनी दो दो मूवी आ रही है, एक किसी और के लिए हम लोग दल्ला भी बनाए थे, तो मैं चाहूँगा कि इसको डाउनलोड करें, देखें, बहुत अच्छा कंटेंट इस पर आ रहा है। हेलो, दिस इज़ रोशन कुमार और हैंगकॉक के साथ मेरी पहली वेब सीरीज़ है ये, सिस्टम अपडेटेड एक ऐसी स्टोरी है कि आजकल किडनैपिंग का बहुत माहौल चल रहा था, बीच में बहुत हमें खबरें भी सुनाई दिए थे, तो इसमें एजाज खान का जो किरदार है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही, आप देखोगे ही बहुत ही जल्द 20 तारीख को, और इसमें मेरा एक किरदार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी स्टोरी जो है वो मेरे आगे पीछे घूमती है,
मेरा जो कैरेक्टर है वो इस स्टोरी में सस्पेंस रखा हुआ है। वो आपको कब पता चलेगा, जब आप सब्सक्राइब करके हमारा चैनल पे, हैंकॉक चैनल पे जब आप स्टोरी देखोगे, तब आपको मेरा किरदार कितना सस्पेंस है वो आपको तभी समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है, मुझे बहुत करने के लिए मज़ा आया है। और यस सर, जैसा इन्होंने बताया वो सब स्टोरी का पीछे है हमारे कांजी भाई, मुरजी भाई, प्रोड्यूसर, उन्होंने ये सब, निर्माता प्रोड्यूसर वो है ये स्टोरी के, उनके वजह से आप अभी ये मतलब सब स्टोरी हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एज यू नो मैंने बताया सिस्टम अपडेट में मैंने भी एक कैरेक्टर किया है, तो जिस सस्पेंस की इन्होंने बात की उस सस्पेंस में हम दोनों ही इन्वॉल्व हैं 50-50%। और हैंकॉक में ये मेरी सेकंड स्टोरी है, इससे पहले भी मैंने किया है। और बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यू हैव टू डाउनलोड हैंकॉक ऐप और उसके बाद आपको सारी स्टोरीज रिवील होंगी। थैंक यू। और भी कोई सवाल जो हम ना पूछे फिलहाल तो आप जो पूछे मैं बता सकती हूँ। थैंक यू। मैं डक्स एंड ड्रेक्स, जिसका ट्रेलर अभी हम दिखाने वाले हैं आपको, जो आपने दो ट्रेलर देखे हैं वो नहीं, थर्ड वन इज़ माइन, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसलिए रुका हुआ था कि जब तक मैं पहुँच रही हूँ, मैं स्ट्रेट अपने शूट से आ रही हूँ और इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैंने आज हाफ डे लिया स्पेशली यहाँ आने के लिए। और अभी हम ट्रेलर देखते हैं इकट्ठे सब लोग। किस तरह किरदार है आपका उसमें? किसमें? अपने मेरे वेब सीरीज में? हाँ, इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और अंडरकवर, जो किस तरह एक प्लान करती है एक मुजरिम को पकड़ने का, वो जर्नी है। काफ़ी दो दो फिल्में करेंगे आजाद के साथ, उसमें भी आसार कॉप्स बने हैं, उसमें भी मेरा कॉप का ही है। कैसा एक्सपीरियंस है इस मूवी के बारे में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे इसके लिए मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, दैट इट्स माई पर्सनल चॉइस टू प्ले रोल्स लाइक इस तरह के जो पावरफुल रोल्स हों। ये मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में कई बार बता चुकी हूँ कि मुझे ये बहुत पसंद है कि मैं ऐसे पावरफुल जिसमें लेडी डोमिनेटिंग रोल्स हैं, बहुत मज़ा आता है प्ले करके, क्योंकि आप दूसरों को दूसरों के लिए एक आइडल बनते हो, दूसरों को सिखाते हो कि लाइक यू हैव टू बी पावरफुल। सो और मेरा पर्सनली भी ये मैं ऐसे ही हूँ, पावरफुल एंड पॉजिटिव, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए आई रियली लाइक इट प्ले। आपके साथ में एक आर्टिस्ट कौन कौन है अगर बात करें? कौन कौन आपके साथ में कौन है आर्टिस्ट? मेरे साथ अंकित बाटला जो मेन कर रहे हैं मेरे साथ वो हैं, और हमारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे हैं, बहुत सारी फीमेल्स भी हैं जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में हैं। और अभी देख के थोड़ा सा आपको और पता चलेगा, क्योंकि कुछ एक चीज़ें हैं जो फ्लैशबैक्स में जाती हैं जिसमें बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं, उस वक्त मैं प्रेजेंट नहीं थी क्योंकि वो मेरा रोल नहीं था उसमें, तो वो भी पता चलेगा अभी कौन कौन है। और पुलिस में भी आप काम कर रहे हैं तो एक साथ में ये सब चीज़ें हैं, और रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या आपके? रनिंग प्रोजेक्ट इज़ छोटी सदारनी, जो कलर्स चैनल पर आता है, कलर्स टी वी पे, विच इज़ नंबर वन शो अभी फिलहाल, और जहाँ से मुझे एक दिन का भी छुट्टी नहीं है, लाइक बिकॉज इट्स नंबर वन शो ऑन कलर्स, तो बहुत अच्छा। उसमें भी मेरा पावरफुल कैरेक्टर है हरलीन, जो मैं प्ले कर रही हूँ, तो बस वहीं से आ रही हूँ अभी। और दूसरा एक वेब सीरीज़ है पुलिस, एक ये हो गई डक्स एंड ट्रेक्स, जो हैंकॉक पे हम आज रिलीज़ कर रहे हैं, जो कि ऑफिशियल रिलीज़ 24th को है, आज हम ये प्लेटफॉर्म को रिलीज़ कर रहे हैं पहले हैंकॉक, और 24th को हम ये डक्स एंड ड्रेक्स अपना रिलीज़ कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी मेरे साथ मेरे डायरेक्टर आएँ और मेरे साथ दो शब्द बोलें उसके बारे में, प्लीज़ समीर सर। ये हमारे डायरेक्टर हैं और हमारे ये सर बहुत कम बोलते हैं, आज इनसे बुलवाओ। क्या कहना चाहेंगे सर सिमरन के बारे में? बहुत ही बेहतरीन एक्टर है सर। यानी जब ये रोल मैंने लिखा था तो सबसे पहले उनका ही चेहरा नज़र के सामने आया। थैंक यू सर। और उन्होंने भी हाँ कहा, हालांकि हम लोग जानते नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन उन्होंने लाइन सुनी और उन्होंने हाँ कहा और बहुत बेहतरीन निभाया है उन्होंने अपना कैरेक्टर। शी हैड प्लेड वेरी वेल। सर लगती भी है पुलिस जैसी है जैसे यूएस आर्मी की पुलिस वाले जैसे बात करती है। हाँ, आज तो ऐसा यूएस आर्मी जैसी। चलिए जो भी है, दो दो फिल्में कर रही है उस पे आर्मी का, इसमें पुलिस का ही किरदार कर रहे हैं। जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे किरदार? या एक्चुअली उनका पर्सनैलिटी ऐसा है कि वो स्ट्रांग वुमन, बोलना नहीं पड़ता है कि शी इज स्ट्रांग,
सो इसीलिए उनको शायद देखने में भी लगती हूं ना वही इसीलिए शायद उनको पुलिस के किरदार ज्यादा आ रहे हैं पूरी पुलिस वाली मतलब हां यू मैनेज बोथ जब शूट करते वक्त तो छोटी सरदारी नंबर 1 शो है तो कैसा मैनेज किया आपने ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि 9 to 9 मेरी एवरी डे 30 days 9 to 9 आई एम शूटिंग एट फिल्म सिटी राइट ये हमने मैनेज किया आफ्टर 9 to 9 एट नाइट एक भी दिन हम लोग डे में तो मैं अवेलेबल नहीं थी और एकदम अर्जेंटली मुझे ये प्रोजेक्ट लेना पड़ा तो हमने नाइट में शूट किया और वैसे भी रिक्वायरमेंट वाइज भी हमारा नाइट हमें चाहिए था रात की कहानी है और उस हिसाब से नाइट ही मैं निकाल पाई सो 9 to 9 देयर आफ्टर दैट 9 to 9 विद दिस एंड देन अगेन सुबह सुबह मैं वहाँ से कंप्लीट होके वो तो कोइंसिडेंसली 7 o'clock हम फ्री हो गए तो मैं 9 पहुँच पाई तो हमने 2-3 रातें करके इसी तरीके से इसको मैनेज किया एक्चुअली दिस इज एन सस्पेंस थ्रिलर बेसिकली और ये बहुत हटके है यानी एक्चुअली वैसे देखने जाए तो हर कोई कहता है कि मेरी कहानी हटके है लेकिन ये जब आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा ये सही में हटके है क्या हो रहा है क्या चल रहा है समझ में नहीं आता है जो आखिरी में रिवील होता है कि ये क्या है एक्चुअली थैंक यू सर एक मिनट रोहित सर हाँ जी रोहित जी क्या कहना चाहेंगे टच एंड ब्रेक्स की हीरोइन है हमारी सिमरन जी और हैंकॉक के लिए प्रोजेक्ट किया है काफ़ी ज़बरदस्त लगा है मैंने सारा स्टोरी पूरा एपिसोड्स देखा है और डायरेक्टर समीर राव साहब हैं इनका भी काम काफ़ी अच्छा है बड़ा मज़ा आया देख के बहुत मज़ा आया देख के और साथ में काम कर और इनकी सीरीज़ देखने के लिए हैंकॉक को आप डाउनलोड कीजिएगा तभी आप इनके एपिसोड्स देख पाएंगे और आप लोगों का साथ रहेगा तो और हमें सपोर्ट मिलेगा क्योंकि एट लास्ट अब चीज़ें प्रोजेक्ट खत्म हो जाने के बाद सारा आप लोगों पे होता है आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम इससे अच्छा काम करके आपको और दिखाएंगे मैम प्लेटफॉर्म हाँ जैसे अब प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे आ रहे हैं देखिए प्लेटफॉर्म पे अच्छा प्रोजेक्ट आना चाहिए अच्छा कंटेंट आना चाहिए अच्छे किरदार आने चाहिए अच्छी स्टोरीज आने चाहिए अच्छे लोग काम करने वाले दिखने चाहिए प्लेटफॉर्म अपने आप राइज करता है पहले तो हर चीज़ नई थी नेटफ्लिक्स भी तो नया था ना कंटेंट में उसको ऊपर लेके आया ना अच्छे अच्छे कंटेंट्स लिए ऐसे ये प्लेटफॉर्म भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाएगा अच्छे कंटेंट्स लेगा अच्छी स्टोरीज फिर शूट अच्छी होनी चाहिए वो तो सारी चीज़ें बाकी बाद में मैटर करती हैं प्लेटफॉर्म तो देखो हर न्यू बॉर्न बच्चा तो छोटा ही है अब कैसा बनाया जाए उसे थैंक यू